नमस्कार दोस्तों, इसे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। बात करेंगे बेबी डोज कॉइन के बारे में, जिसमें आज अच्छा खासा गेन दिख रहा है। सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी पहली, अगर आपको सबको याद हो तो उसमें मैंने साफ बताया था कि शाम तक एक बड़ा बूस्ट देखने के चांसेज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी अनाउंसमेंट बेबी डोज करने वाला है कल, जो कि आज का दिन ही पेंडिंग बचा हुआ है। तो क्या है वजह दोस्तों, वो भी बात करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात की जाए, जो आज बेबी डोज के प्राइस के अंदर 1-3 की सीरीज आ चुकी है डॉलर्स के अंदर, और लगभग 14 से 15% गेन देखने को मिल रहा है, और ग्राफ पूरे का पूरा आपको पॉजिटिव नजर आ रहा होगा। 14 से 15% गेन, वो भी मार्केट डाउन के अंदर, और सबसे मजे की बात ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 223% अप हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं बाइंग यहाँ पे बड़े लेवल पे होती हुई नज़र आ रही है, और वो कि पहली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों कि कल एआई जो प्रोजेक्ट है वो रिवेल करने वाले हैं बेबी डोज की, उसका क्या इम्पैक्ट बेबी डोज के यहाँ पे प्राइस पे पड़ने वाला है, और उस क्या उसका रहने वाला है। तो पूरे का पूरी डिटेल है जो कल वो रिवेल हो जाएगी। कल सुबह आपको सबसे पहले मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा कि प्रोजेक्ट के अंदर जो लॉन्च करने वाले हैं उसका बेबी डोज से क्या कनेक्शन है, और कितना प्राइज और पंप हो सकता है। और आज देखो तो अच्छा खासा पंप तो हो चुका है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि बेबी डोज कॉइन ने पिछले 2 दिन से बर्निंग बहुत बढ़ा रखी है। अगर परसों की बात की जाए तो लगभग 72.9 यानी कि 72.9 यहाँ पे ट्रिलियन बर्न किए गए हैं बेबी डोज कॉइन, और कल की बात की जाए 24 आवर्स के अंदर तो 70 ट्रिलियन कॉइन यहाँ पे कल की डेट के अंदर बर्न किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बर्निंग रेट इतना ज़्यादा बढ़ाने के पीछे भी कुछ रीजन हो सकता है। हो सकता है कि इसके खुद के द्वारा ये पंप करवाया जा रहा हो, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम जो आप हो रही है वो यही है कि बाइंग कहीं ना कहीं यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो कल सुबह रिवेल करने वाले हैं एआई प्रोजेक्ट, उसकी दोस्तों अगर रात को अपडेट निकल के शाम तक आती है तो और अपडेट आपको कर दिया जाएगा, नहीं तो मॉर्निंग की वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इस पर ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, इसके साथ अगर बने हो होल्डर जो है इनके, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक पंप तो देखने को मिला, क्योंकि मार्केट तो बिल्कुल अभी भी वहीं रुकी हुई है, एक ही जगह पे सभी कॉइन एक ही जगह पे रुके हुए हैं, लगभग करेक्शन के अंदर ही हैं। तो बेबी डोज में एक बड़ी उम्मीद जागी है जिसका इम्पैक्ट सुबह पता चल जाएगा। तो ये थी दोस्तों अब की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।